वहीं सूरजपुर में पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले एसडीएम के खिलाफ मीडियाकर्मी समेत आम नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया। साथ ही नाराज मीडियाकर्मियों ने थाने का घेराव भी किया। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग में हुए अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का आवेदन दिया था, जिसके बाद एसडीएम जगन्नाथ वर्मा ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को थाने बुलाया था, जहां उनके साथ मारपीट की थी। इसी घटनाक्रम का पत्रकार ने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया। इसी से गुस्सा एसडीएम ने पत्रकार पर हमला कर दिया और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। वहीं अब मीडियाकर्मी और लोगों ने एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। हमने देखा कि ये अप्रोच है और ये राजेश साहब इनके साथ एसडीएम साहब मारपीट कर रहे थे। उन लोगों को लात से डंडे से मार रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बहुत गंदा गंदा। ये लोग बोले कि थोड़ा सा भैया थोड़ा वीडियो बना दीजिए। मैं वीडियो बनाने लगा बाहर से, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मैं भाई वीडियो बनाने लगा। और इतने में क्या हुआ कि एसडीएम साहब मेरे पास आए और मेरे को भी एक झापड़ मारे और कारण को पकड़ कर मेरे को पटक दिए। जैसे आज हम लोग का धरना प्रदर्शन था, कलेक्टर घिरा हुआ था लोक गार्ड को लेकर पीडब्ल्यूडी को। इसके बाद जैसे हम लोग आज रणनीति बना रहे थे कैसे करना धरना प्रदर्शन, हम लोग बैठे हुए थे एक विक्की की दुकान में, होटल में नाश्ता कर रहे थे, चाय पानी। फिर इसके बाद एसडीएम के एक आदमी आए, पुलिस वाले नगर से लेते। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको साहब बुला रहे हैं। हम लोग बोला फोन, तो बोले एसडीएम साहब। फिर इसके बाद हम लोग चलिए ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आए बुलाए तो, फिर आने के बाद जैसे ही मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालने के बाद बोलता है तुम माँ बहन गाली देना स्टार्ट कर दिया, बोलता है ऐसा वैसा। फिर इसके बाद एक लात मारा अप्रोच को, पहले सीने पे मारा। फिर इसके बाद मेरे को क्या हुआ, डंडा उठाया और मारा, जो कि यहाँ पे हाथ चोट आया है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है पैर में। मारने की वजह बोलता है तुम होते धरना प्रदर्शन होते कौन, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो तुम। पत्रकार जी जो है अनवर खान जी के साथ में भी और कुछ और लोगों के साथ उनके साथ जो वाद विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद ये पता चला कि एसडीएम साहब द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया। इसी बात को लेकर लोग आक्रोशित हुए थे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी थी। जो पुलिस फोर्स और अधिकारी उपस्थित थे बातचीत करने के दौरान और इस तरीके को समझाइश दिया गया और उसके बाद बीच में जिस ढंग से लोगों ने स्थिति बिगाड़ने का भी प्रयास किया था, चर्चा के उपरांत सब लोग समझ गए।